तो हेलो जी बच्चा बाटी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज बच्चा जी हम करेंगे टेंथ क्लास के लिए, टेंथ क्लास का जो टॉपिक है उसका नेम है बच्चा जी इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर आपके घरों में होगा, क्या काम है उसका? सपोज करो जो आजकल दिन चल रहे हैं बच्चा जी, अगर आपके घर में जनरेटर है और आपके घर में लाइट नहीं है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही, कोई भी केस हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, कट हो गई हो लाइट, तो आप क्या करते हो? आप जनरेटर को ऑन करते हो, जनरेटर को चलाते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, देन उस वाले केस में आप सिंपल एक सेल्फ लगाते हो, और अगर आपके पास मैनुअल जनरेटर है तो आप किसी हैंडल के साथ उस जनरेटर को घुमाते हो। तो क्या प्रोवाइड होता है बच्चा, उससे क्या पैदा क्या होता है? उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कैसे? एक वीडियो देखिए प्लीज, इसके बाद मिलते हैं फिर। अभी इस वीडियो में आपने देखा क्या बच्चा जी? वो एक एक्सल था जिसके ऊपर मैंने एरो लगाया था। उस एक्सल को जब हम घुमाते हैं एट दैट टाइम वो क्या करता है बच्चा जी? वो घूमता है किसी सिस्टम के अंदर, वो जनरेटर के अंदर, और उससे वो तीन वायर्स निकली होंगी। नॉर्मली आपने अब तक सिर्फ दो वायर्स के बारे में पढ़ा है, किसी भी सर्किट के अंदर एक करंट लेकर जाती है। जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा बच्चा जी, ये कोई रेसिस्टर है तो एक करंट लेकर जाती है और एक करंट लेकर आती है। तो थर्ड वायर भी उसमें आपने देखी होगी, वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, इसमें नहीं, क्योंकि वहां पर उसको डीपली पढ़ेंगे। तो आपने देखा जब हमने उस मैनुअली उस हैंडल को घुमाया था तो उसके घूमने के बाद वो जनरेटर स्टार्ट हुआ। उस जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जिसकी वजह से वो ट्यूबवेल जो वो मोटर थी वो बच्चा जी जो सबमर्सिबल मोटर थी वो घूमी और पानी बाहर आ रहा है। तो इस जनरेटर से आपने बच्चा जी क्या समझा? ध्यान से देखना बच्चा जी, इस जनरेटर से आपने क्या क्या समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बच्चा जी समझा कि जनरेटर करता क्या है। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या काम क्या किया इसने? देखिए आपने इसमें दो थिंग्स लगातार पढ़ ली जो आपने ये वीडियो देखी। एक जनरेटर, जनरेटर को आपने मैकेनिकली घुमाया तो उसने इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, तो वो जनरेटर के कारण, वो जो एक साइड पर दिख रहा था आपको जनरेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है मैनुअली घुमाने के साथ। मीन्स मैकेनिकली हमने घुमाया, हमने अपनी मूवमेंट दी, हमने अपना फोर्स लगाया और उसके घूमने उसको देने के साथ हमने जैसे ही उसके ऊपर वो फोर्स लगाया, वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसने क्या पैदा किया बच्चा जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी। तो साथ में आपने बच्चा जी वो समर्सिबल मोटर जो डिप की गई है कहां पर? अंडरनीथ द अर्थ। उसने बच्चा जी क्या किया? वो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो कि जनरेटर ने बनाई है बच्चा जी, उसको यूज करके उसने उस इलेक्ट्रिसिटी से बच्चा जी क्या किया? मोटर को घुमाया। तो बच्चा जी साथ में आपने मोटर की भी डेफिनेशन पढ़ ली कि मोटर की डेफिनेशन क्या है इसमें, जो हमने पिछला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वो बच्चा जी यूज करती है किसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी उसने यूज की ना, तो उसको उसने बच्चा जी कन्वर्ट किसमें कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स उसने उस एनर्जी को यूज करके मोटर को घुमाया, तो इसका मतलब मोटर को घुमाया किसने? जनरेटर ने, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की, और बचा जो मोटर है उसने क्या किया? उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके वो खुद घूमी, वो घूमी तो बचा उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी उसने ली और मैकेनिकल एनर्जी उसने प्रोवाइड की और पानी बाहर आ गया, डन। तो वो सिंपल एक अभी हमने जो पढ़ा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन थी। थर्ड वायर के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी सिंपल हमारे पास जो है ये,
तो बच्चा जी जनरेटर हम पढ़ रहे हैं, जनरेटर ने क्या किया है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डन है। तो बच्चा जी इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल किस सिद्धांत के ऊपर बच्चा जी ये काम करता है, इसका काम क्या था, ये किस प्रिंसिपल पे वर्कआउट करता था, जल्दी से घुमाकर देखिए अपने नोट्स, देखिए पीछे से नोट्स, वहां पर क्या लिखा है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो बच्चा जी वो फील करता है किसको, फोर्स को, तो उस पर फोर्स लगता है तो बच्चा जी वो घूमता है, तो उसके घूमने के साथ मोटर घूमती है। ये था मोटर का केस। मैकेनिकल, अभी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बच्चा जी क्या है, जनरेटर पढ़ रहे हैं। तो बच्चा जी इसमें जनरेटर में हमने क्या पढ़ा बच्चा जी, अभी जनरेटर में हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था बच्चा जी कौन सा, इलेक्ट्रो, बोली जल्दी, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या थी, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट, इंड्यूसिंग करंट मींस प्रोड्यूसिंग करंट व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेस, या मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, मैग्नेटिक फील्ड वाज चेंज। तो उस प्रोसेस को करते कहते हैं हम, उस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड करंट व्हेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर, जिस भी कंडक्टर के अंदर से हमने करंट को पैदा करना बच्चा जी, उसके आसपास वाली जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो बच्चा जी करंट पैदा होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चा जी इस प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। ओके, कैसे काम करता है, ये हमारे पास डायग्राम है, हम यहां से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे है डायग्राम, क्या है, ध्यान से समझना बच्चा जी, होगा क्या। तो ये कोई चीज है आपके पास बच्चा, जो आपको दिख रही थी उस वीडियो के अंदर, जिसके ऊपर हम अगर हैंडल लगा देते हैं और उस हैंडल को हम घुमाते हैं इस तरीके से, तो बच्चा जी इसके घूमने के साथ इसके ऊपर ये दो रिंग्स लगे हुए हैं, कौन कौन से, ये वाले रिंग्स, ये वाले रिंग्स, तो ये रिंग्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। ओके, ये रिंग्स क्या करते हैं, अभी मोटर वाले केस में आपने डायग्राम आपकी याद होगी, एक बार डायग्राम घूम कर देखें, उस डायग्राम और जनरेटर की डायग्राम में फर्क क्या है, उसमें बच्चा जी सारा ए टू जेड सिंपल थिंग है। उसमें यहां पर हमने इलेक्ट्रिक सिटी प्रोवाइड की थी, यहां पर हमने वोल्टेज प्रोवाइड की थी, यहां पर हमने सेल्स लगाए थे और वो करंट प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से ये जो एक्सल था ये घूमता था, ये किसमें था, मोटर में। यहां पर क्या है बच्चा जी, हमने इसको घुमाना है और करंट पैदा करना है, कहां पर, जहां पर उस केस में हमने सेल्स लगाए थे, बैटरी लगाई थी, यहां पर हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पढ़ा था पिछले वाले केस में, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट की डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब जब इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस होगा तो बच्चा जी इसके नीडल जिस साइड को करंट जाएगा उस साइड को जाएगी। ओके, तो ये है जनरेटर। तो अभी देखें काम कैसे होगा, तो वो वाले केस में और दूसरा कौन सा डिफरेंस है मोटर वाले केस में, वहां पर हमने एक एक्सल जो था, ये वाला एक्सल था, उसके साथ बच्चा जी दो स्प्लिट रिंग्स लगे हुए थे, दो, एक रिंग जो सेंटर में से टूटा हुआ है और स्प्लिट रिंग्स बन गया, स्प्लिट हुआ हुआ है, तो स्प्लिट रिंग बना उस एक्सल के आसपास लगा था। ओके, सो एक रिंग था टूटा हुआ था, तो वो स्प्लिट रिंग लगा था किसमें, मोटर वाले केस में। अभी जनरेटर है तो इसमें क्या है, इसी एक्सल के ऊपर बच्चा जी दो रिंग्स पूरे लगे हुए हैं। ओके, कोई हमारे पास एक एक्सल है, उस एक्सल के ऊपर एक ऐसे पूरा रिंग लगा है, एक और रिंग ऐसे लगा है, दो रिंग्स प्रॉपर लगे हुए हैं, एक ये रिंग पूरा, एक ये रिंग पूरा, और ये जो दिख रहा है बच्चा ये पूरा पूरा इसके अंदर से एक एक्सल का रॉड है। अपने वीडियो में देखिए वो रॉड कौन सी थी, आयरन की थी, तो वो रॉड है, तो वो रॉड बच्चा जी इस ये जो रिंग है इसके अंदर एक मटीरियल होगा जिसके साथ इंसुलेटेड है, मीन्स
जो करंट इसमें बच्चा जी आएगा, इसी स्लिप रिंग्स में बच्चा जो करंट आएगा, इन्हीं रिंग्स में आएगा, वो इस रॉड तक नहीं पहुंचेगा। इस ये जो रॉड, मान लो ये एक रॉड है, इसके ऊपर बच्चा जी वो स्लिप रिंग्स ऐसे लगे हुए हैं, तो इनके बीच में जब बच्चा जी अंदर वाली जगह पे ऊपर कोई इंसुलेटेड मटेरियल रखा हुआ है जो कि करंट को इस एक्सल के ऊपर नहीं जाने देगा। ओके, तो अभी कैसे प्रोडक्शन होगी, पढ़ा था कुछ, मोटर के ऊपर रूल कौन सा था, मोटर में फोर्स पैदा होता था, इसमें करंट पैदा होता है, तो जहां पर फोर्स पैदा होता है वहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, याद है पिछली वीडियो में। जनरेटर के ऊपर कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा, तो करंट पैदा हो रहा है ना, तो राइट हैंड रूल लगेगा, डन। उसी तरीके से लगाएंगे और पूरा वर्कआउट करेंगे, ठीक। दो थिंग्स होगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इस पे पढ़नी है, अभी डायग्राम में देखते हैं वो होगा क्या। ये हमारे पास बच्चा जी कोई आर्मेचर है, जैसे उसमें था आर्मेचर, नेम लिख लें इसकी ए बी सी डी, नॉर्थ और साउथ दो हमारे पास क्या है, मैग्नेट्स है, ये लगातार इस साइड को क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड, लगातार मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस साइड को जा रही है, और ये बच्चा जी इसके अंदर प्रॉपर पड़ी हुई है, प्रॉपर सीधी सीधी, ओके, प्रॉपर सीधी पड़ी हुई है। ये व्यू एक ऐसा व्यू आपको देना था, इसलिए बच्चा जी इसको मैंने थोड़ा सा टिल्टेड किया। वैसे कैसे है ये हमारे पास नॉर्थ है, साउथ है, और इसके अंदर बच्चा जी ये पड़ी हुई है हमारे पास आर्मेचर, ओके। तो ये हमने थोड़ा सा टिल्टेड व्यू दिया है ताकि आपको ये रॉड अच्छे से दिख सके, क्योंकि मोटर वाले केस में बहुत कंफ्यूजन बच्चों को आई थी, ओके। तो हमने कुछ ऐसा व्यू दिया है। अभी क्या होगा, करंट पैदा करना है तो रूल कौन सा, लेफ्ट के राइट, बोलिए जल्दी से, राइट हैंड रूल, ओके। तो लगे ऐसे बच्चा जी, नॉर्थ साउथ क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डेफिनेशन क्या थी, प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग करंट, करंट को पैदा करेंगे जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो पिछली तीन एक्टिविटीज में आपने पढ़ा था कि जब भी बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी किसी भी कंडक्टर के आसपास वाली जगह पर, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या पैदा होगा बच्चा जी, करंट पैदा होगा। तो वो कैसे था, एक कॉयल थी जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच था, मैग्नेट पास लेकर आए, दूर लेकर जाए, तो उस वक्त भी करंट प्रोड्यूस होगा। जब वो इसके पास आएगा तो बच्चा जी इस कॉयल के आसपास जो जगह होगी वहां पर बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो बच्चा जी इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। जब दूर लेकर जाएंगे तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, कम हो रही है, तो करंट दूसरी साइड को प्रोड्यूस होगा और फिर से गैल्वेनोमीटर के नीडल सेंटर में आ जाएगी। तो आपने इसमें यह पढ़ा था बच्चा जी, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी किसी कॉयल के जिसके अंदर मैंने प्रोड्यूस करना है, उसमें करंट बच्चा जी तभी पैदा होगा जब उसके जो आसपास जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होगी, अभी ये मान लो आपके घर में जनरेटर है, वैसे ही पड़ा हुआ है, आप उसको घुमा नहीं रहे, ओके। तो ये जो कॉयल है, ये जो आर्मेचर है बच्चा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, डन। ये जो कॉयल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अभी ये कॉयल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने के वजह से क्या बच्चा ये हिल रही है, नहीं हिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो लगातार आएगी, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड आती जा रही है, बट ये जो आर्मेचर की कॉयल है ये इसके अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट है, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो बच्चा जी अभी ये हिली नहीं, तो इसकी जो आसपास जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार क्या है, जा रही है, लगातार बढ़ी हुई है, लगातार कंप्लीट है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है। तो अगर बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। तो उसे चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस ये जो हमारे पास एक्सल है इसको हम घुमाएंगे, घुमा दिया, जैसे हमने इसको घुमाया तो हमने उसके ऊपर एक स्टॉक वाली की होगी, हम उसको नीचे को फेंक देते हैं, जिनके घर में जनरेटर होगा आप उसको देख रहे होंगे। तो एट दैट टाइम जब हमने उसको फेंका तो तब क्या हो रहा है बच्चा जी, तब विद द हेल्प ऑफ डीजल वो जो ये जो रॉड है ये लगातार घूमती रहती है और हम इसके अंदर से ये जो हैंडल है ये बाहर निकाल देते हैं, डन। तो इसका मतलब बच्चा जी इस रॉड के लगातार घूमने के साथ क्या होता है बच्चा जी, ये एक्सल है ये जो लगातार इसके अंदर घूमता रहता है, ये जो एक्सल के घूमने के साथ ये जो आर्मेचर है ये लगातार घूमता रहता है। अभी ये आर्मेचर लगातार घूमने से क्या होगा बच्चा जी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को जा रही है वो लगातार, अभी ये वाली एक हमारे पास कॉइल की लेंथ है, एक ये लेंथ है,
ये कभी इस साइड गई, कभी इस साइड गई, कभी इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, लगातार चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है लगातार क्या होगी, चेंज होगी। कैसे? ये जो आर्मेचर है, कुछ ऐसे आर्मेचर है, अभी आपके पास आर्मेचर बचा ऐसे दिख रहा है, मान लो ऐसे आर्मेचर आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से इस साइड जा रही है, तो ये जब घूमेगा तो फिर ऐसे भी होगा, फिर ऐसे होगा, फिर उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर लगातार घूमेगा। तो बच्चा जी ये टर्न कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड जाएगी, तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज मीन्स इसके जो आसपास जगह है वहां पर चेंज होती जा रही है, कभी वो इस साइड गया, कभी उस साइड गया, तो फिर संभव सी बात है बच्चा जी का करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो अभी करंट कैसे प्रोड्यूस होगा वो देखेंगे हम। तो क्या करें बच्चा जी, अभी हमने क्या किया, ये हमारे पास कॉइल ये है, सभी के ऊपर देखेंगे करके, तो क्या होगा बच्चा जी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो राइट हैंड रूल लगाए, तो रूल लगाया बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस साइड को, ओके मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को। तो बच्चा जी जैसे हमने इसको घुमाया, हम इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये वाली टर्न जो होगी वो नीचे को जाएगी, इसके घूमने के साथ ये भी बच्चा जी घूमेगा, तो ये जो उसकी साइड है ये जाएगी नीचे को, तो ये वाली साइड ये आएगी ऊपर को, डन ऐसे ही होगा। जब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे उसके साथ घूमेगी, ओके, तो ये साइड गई नीचे को, जब ये बच्चा जी नीचे को गई तो क्या होगा, ये बीच में खाली जगह है, यहां पर कुछ भी नहीं है बच्चा जी, ये हमारे पास सिंपल वायर है, तो ये वाली वायर गई नीचे को, तो ये गई ऊपर को, या आप इसको वायर कह सकते हैं, या फिर कोई भी आयरन की रॉड कह सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर से करंट जा रहा हो। तो बच्चा ये गई नीचे को और ये आया ऊपर को, तो अभी क्या होगा, लगा कर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो ये जा रहा है ऊपर को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये गया ऊपर को, तो अंगूठा क्या बताता है बच्चा जी, मूवमेंट थंब या फोर्स, तो ये आ रहा है ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये ऊपर को, ये ऊपर को हो गया मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो करंट गया इस साइड ऊपर को, तो इसका मतलब बच्चा जी इसके अंदर से करंट किस साइड को जा रहा है, ऊपर को, ओके। अब यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे को भी आना चाहिए, तो क्या होगा, फिर से इस साइड को गया, क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड है इसी साइड को, ओके, तो ये साइड गई नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये गया नीचे को, ये हमारा थंब गया नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो करंट प्रोड्यूस होगा किस साइड को, नीचे को, तो बच्चा जी करंट किस साइड को आ गया, नीचे को, डन, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, करंट कैसे गया, डी से ए, ए से बी, बी से सी, ओके। यहां पर करंट होगा किस किस साइड को, जैसे अभी यहां से मूवमेंट गई तो करंट, इसका मतलब यहां से इस साइड को जाएगा, तो करंट बच्चा जी कैसे गया, इस साइड को, यहां से जा रहा इस साइड को, यहां से जाएगा इस साइड को, ओके। तो इसके अंदर से भी करंट जा रहा है ऐसे, तो यहां से ये जाता हुआ बच्चा जी कहां पर कनेक्टेड है, यहां पर ये जो थिंग्स दो कनेक्टेड है, जैसे इसमें कनेक्टेड थी वैसे ही कनेक्टेड है, ये क्या है, ब्रशेस है, बी वन और बी टू, इनका काम क्या है, ये करंट प्रोवाइड करवाते हैं कहां से लेकर, यहां से लेकर आर्मेचर से लेकर बाहर वाला जो एक्सटर्नल सर्किट है। अभी ये सब कुछ तो बच्चा जी किसमें था, ये सब जनरेटर के अंदर था, अभी जनरेटर के अंदर से ये दो वायर्स दो निकली हैं बाहर, ओके, आपने वीडियो में देखा था तीन वायर्स थी उसके अंदर से बाहर निकली हुई, अभी यहां पर दो है, तो मैं सिर्फ दो की बात करूंगा, तीसरी की अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि तीसरी के बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। तो बच्चा जी इसके अंदर से, इस जनरेटर के अंदर से दो वायर बाहर आई, ये दो वायर बाहर आ गई, ये पूरा जनरेटर इसके अंदर से दो वायर बाहर निकली है, तो बाहर जाकर जिसको मैंने चलाना है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दो। तो अभी मैं गैल्वेनोमीटर के चला रहा हूं, सिंपल, कि करंट किस साइड को जाएगा वो देखना है हमने, डन। तो वो दो वायर्स जाकर किसको कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के साथ। अब यहां पर कोई भी चीज लगा सकते हो, मोटर लगा सकते हो, कोई भी थिंग लगा लो, आपकी वर्किंग आएगी, बट यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया क्यों, क्योंकि आपको एक बात समझानी है बहुत जरूरी, एसीडीसी समझाना है, तो इसलिए मैंने यहां पर लगवाया बच्चा जी क्या, गैल्वेनोमीटर। तो करंट यहां से आया बच्चा जी, ओके, तो करंट यहां से आएगा किस साइड को, इस साइड को जाएगा, यहां से जाएगा, इसके अंदर जाएगा, यहां से जाएगा, इस साइड को जाएगा, यहां से वापस ऐसे जाएगा, डन, क्लियर। तो अभी एक नई चीज इसमें क्या होगा बच्चा जी, ये जो दो स्लिप रिंग्स लगी हुई है इस एक्सल के ऊपर, ये लगातार इसके साथ कनेक्टेड है, समझे बात, लगातार, जैसे ये रॉड है, ये मान लो रॉड है, ये उसके ऊपर स्लिप रिंग लगा हुआ है, ये मेरा हाथ क्या है, स्लिप रिंग है,
ओके। तो इस स्लिप रिंग के साथ ये जो एक वायर आ रही है इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ये वायर गई, ये हमारे पास रॉड है, रॉड के ऊपर ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग के साथ क्या कनेक्टेड है ब्रश, तो ब्रश के साथ क्या कनेक्टेड है ये जो बाहर वाली वायर। तो ये हमारे पास हो गई क्या रॉड, इसके ऊपर ये क्या कनेक्टेड है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग के साथ यहां पर क्या कनेक्टेड है ये जो हमारा कड़ा है, ये इसको हम मान लें ये क्या है ब्रश, तो ये ब्रश इसके साथ कनेक्टेड है, तो ब्रश के साथ क्या कनेक्टेड है बाहर की एक वायर, और ये जो स्लिप रिंग है ये इसके साथ लगातार कंटेक्ट पे रहेगा, लगातार कंटेक्ट, ये हिलेगा नहीं। पिछले वाले केस मोटर वाले केस में हमने पढ़ा था बच्चा जी कि जो दो ब्रशी साइड पर लगे हैं रॉड जो है उसके साथ बच्चा जी क्या कनेक्टेड थी स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड थी, ओके। उस स्प्लिट रिंग के साथ एक इस साइड से ब्रश कनेक्टेड था, एक इस साइड से ब्रश कनेक्टेड था, कैसे देखिए आप जल्दी से, कुछ ऐसे ही तो था, ये हमारे पास एक रॉड थी उसके ऊपर बच्चा जी ऐसे दो क्या कनेक्टेड थे ऐसे था, यही रॉड थी, इसी रॉड के ऊपर बच्चा जी क्या कनेक्टेड थे दो स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड थे, उन्हीं स्प्लिट रिंग्स के साथ दो ब्रशेस कनेक्टेड थे, और जब ये बच्चा जी इसमें से करंट फ्लो करता था तो ये जो रॉड थी ये घूमती थी, इसी के साथ स्प्लिट रिंग्स भी साथ में घूमते थे, ब्रशेस वहां पर रहते थे स्प्लिट रिंग्स भी साथ में घूमते थे, ओके। मोटर वाले केस में यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चा जी ये जो स्लिप रिंग्स है ये लगातार अपनी उसी पोजीशन पर रहेंगे, ये घूमेगा साथ में स्लिप रिंग्स भी घूमेंगे, बट ब्रशेस जो है वो इनके साथ जो इसके साथ कनेक्टेड है जो इसके साथ कनेक्टेड है वो लगातार इन्हीं के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो मोटर वाले केस की जैसे नहीं कि एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ऐसे हो गए, नहीं, उस वाले केस में कैसे पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ते थे ना बच्चा जी जब स्प्लिट रिंग्स S1 थी दूसरा स्प्लिट रिंग S2 थी तो इसके साथ ब्रश D1 कनेक्टेड था B2 कनेक्टेड था, जब आधी रोटेशन हो जाती थी तो इसके साथ बचा जी फिर B2 ब्रश आ जाता था, इसके साथ फिर B1 आ जाता था, इसका मतलब उस वाले मोटर वाले केस में हर स्प्लिट रिंग्स के बाद आधी रोटेशन के बाद कभी B1 आता था कभी B2 आता था, बट यहां पर बचा जी ऐसे नहीं है, यहां पर ये जो स्लिप रिंग्स है ये लगातार उन्हीं जगह के ऊपर स्लिप करते जाएंगे, ओके। स्लिप करने का मतलब क्या, ये लगातार एक्सल जब घूमेगा इसके साथ ये स्लिप रिंग्स भी लगातार घूमेंगे, ये जो ब्रशेस है ये लगातार इन्हीं के साथ कनेक्टेड रहकर यहां पर ही स्लिप करेंगे, ये भी यहां पर ही स्लिप करेंगे, तो इसलिए इनको बच्चा जी स्लिप रिंग्स कहा, इनको बोला था जो मोटर वाला केस था उसमें हमने बोला था स्प्लिट रिंग्स, रिंग्स जो है वो टूटे हुए है, टूटे हुए रिंग्स, तो यहां पर इनको जो हम बोलेंगे बच्चा जी वो हम बोलेंगे स्लिप रिंग्स, तो इसको बोल दिया S1 इसको बोल दिया S2, ये जो स्लिप रिंग्स है ये इस रॉड के ऊपर लगातार कनेक्टेड रहेंगे और ब्रशेस के साथ वहीं पर स्लिप करते जाएंगे, क्लियर। तो आपको अभी ये चीज समझ आ गई, अभी क्या होगा बच्चा जी आधी रोटेशन के बाद क्या होगा, अभी करंट पता लग गया कैसे गया, इस साइड के गया ऐसे गया, तो ऐसे गया तो बच्चा जी ये जो नीडल है ये किस साइड को जाएगी, इस साइड को गई, ये वाली नीडल जो सेंटर में थी पहले अभी वो इस साइड को चली गई, ओके। अब क्या होगा, अब आधी रोटेशन के बाद, अभी पहले इसका जो वर्किंग हुई उसकी हम डायरेक्शन लिख रहे, करंट कैसे कैसे गया, करंट गया बच्चा जी यहां से है डी, डी से गया ए, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से फिर गया बच्चा जी सीधा, ओके। यहां पर बच्चे याद एक बार ठीक करने पहले, ये जो वायर आ रही है बच्चा जी ऊपर से ये रॉड, ये सीधी जाकर कनेक्टेड है बच्चा जी किसके साथ, स्प्लिट रिंग, ये जो स्लिप रिंग्स है इनके साथ कनेक्टेड है, ओके। यहां पर भी आप इस बात को ठीक करें, ये सीधे जाकर कनेक्टेड है किसके साथ, इन्हीं स्लिप रिंग्स के साथ, ओके। क्योंकि बच्चा जी इनको अभी इस रॉड के साथ ये स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है, जैसे आप इस रॉड को घुमाओगे तो ये स्लिप रिंग्स घूमेंगे तो स्लिप रिंग के साथ ये भी घूमेगा, तभी घूमेगा ना, अगर बच्चा ये ब्रश के साथ कनेक्टेड होगा तो ब्रश के साथ
अगर क्रेडिट है तो ब्रश तो वापस अपनी उसी जगह पर आ रहा है तो ये नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब आप ये कनेक्शन ठीक करें। आप बुक में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें कि ये सीधी जाकर क्रेडिट किसके साथ है बच्चा जी, सीधे स्लिप रिंग्स के साथ। यहां पर भी ये कनेक्टेड है किधर जाएगा, सीधी स्लिप रिंग्स के साथ। तो जैसे ही ये स्लिप रिंग्स घूमेगा बच्चा जी, तो स्लिप रिंग्स के ऊपर जैसे ये रॉड घूमेगी, इसके ऊपर स्लिप रिंग्स लगे हैं वो घूमेंगे। तो स्लिप रिंग्स के घूमने के साथ स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड कौन सी है, ये आर्मेचर कनेक्टेड है। तो बच्चा जी जैसे ही ये घूमा वैसे ही ये घूमा, तो इन्हीं के साथ कनेक्टेड ये है तो ये भी साथ ही घूमा। तो बच्चा डायरेक्शन क्या बनी, डी ए बी सी, तो सी से गया कहां पर, इस वाले ये कौन सा है, ये स्लिप रिंग्स है, ये कौन सा एस टू है, और ये वाला जो स्लिप रिंग है ये एस वन है। तो बच्चे कहां पर गया सीधा एस टू पे, तो एस टू से कहां पर गया बी टू पे, बी टू से कहां पर गया गैल्वेनोमीटर पे, तो गैल्वेनोमीटर से कहां पर गया बी वन पे, बी वन से कहां पर गया एस वन पे, एस वन से कहां पर गया डी पे। ये हुई हमारी हाफ रोटेशन। ओके, आधी रोटेशन ये रही। अब अगली रोटेशन में क्या होगा बच्चा जी, जैसे ही आपने इसको घुमाया तो ये पूरा पूरा ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो बच्चा जी ये जहां पर जो कनेक्टेड थे ये वहीं के वहीं कनेक्टेड है, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिल रहे। ओके, ये यहां पर कनेक्टेड, यहां पर जे कनेक्टेड थे, जिधर भी कनेक्टेड थे ये वहीं पर रहेंगे, ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेंगे। तो बच्चा जी आपके पास अभी जो डायरेक्शन बनेगी, अभी जो थिंक क्रिएट होगी वो क्या होगी, आप एक बार उसको भी ध्यान से देखें। तो दूसरी बात क्या होगा, ये जो रॉड हमारे पास ये जो गई है, ये आर्मेचर जा रही है बच्चा जी, ये गई और अभी इधर कौन सा आ गया, हाफ रोटेशन ऐसे थी, ये नीचे को गया, ये नीचे को गया, ये ऊपर को आया, तो ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब ये बी और सी यहां पर आ गया, बी और सी, और ये जो ए और डी था ये यहां पर चला गया ए और डी। तो इसका मतलब यहां पर आ गया ए, यहां पर आ गया डी, यहां पर आ गया सी और यहां पर आ गया बी। ये आधी रोटेशन के बाद, तो नॉर्थ और साउथ तो वहां पर ही रही, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड को थी तो वहीं पर रही। तो अभी बना क्या, इसके बाद क्या होगा, ये डी पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है, S1 और S1 के साथ कनेक्टेड है। तो बच्चा जी S1 रिंग कौन सी है, पहली वाली। ओके, पहली वाली, तो इसका मतलब जो यहां पर ये रॉड होगी, ओके, रॉड के ऊपर बच्चा जी जो हमारे पास ये पहला स्लिप रिंग्स है, ये दूसरा स्लिप रिंग है। ओके, तो D वाला पार्ट कनेक्टेड था किसके साथ, S1 के साथ। तो ये रहा हमारा S1, S1 पहले वाला ही है। ओके, तो ये रहा S1, तो ये यहां पर आ गया, इधर ही आएगा ना, ये इसके साथ कनेक्टेड था, तो इसका मतलब ये इस साइड गया तो यहां पर आ गया। तो S2 के साथ कौन सा कनेक्टेड है, वो है ये S2। ओके, ये इसके साथ कनेक्टेड है। तो अभी S1 के साथ कनेक्टेड कौन सा है, ब्रश B1, बोला था ना वो ब्रश हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, और S2 के साथ हमेशा कनेक्टेड कौन सा रहेगा, B2, इसके साथ B2। अभी क्या होगा, अभी आपके पास ये बन गई, पहले हाफ रोटेशन ये थी, ये आ गया ऊपर को, ये चला गया नीचे को, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे था ना, ये ऊपर था, ये नीचे को जाना था, तो ये ऐसे गया तो ऐसे हो गया। तो जब ये ऐसे हुआ तो बच्चा जी बी सी चला गया इधर, ए डी चला गया इस साइड, तो आपके पास कुछ ये बने। अब इसके ऊपर लगाकर देखिए डायरेक्शन के करंट, तो करंट बच्चा जी कैसे बना, अभी ध्यान से समझना, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ध्यान से समझना बच्चा जी, कॉपी पेन प्रॉपर लिखे, नोट्स पॉज कर करके लिखे बच्चा जी। तो ऐसे केस में क्या होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को राइट हैंड रूल लगाए, तो राइट हैंड रूल लगाया बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड ये गई और ये वाला पार्ट गया था नीचे को, ये पार्ट गया था ऊपर को। ओके, तो ये पार्ट जाएगा फिर से नीचे को और ये पार्ट आएगा ऊपर को, था ऐसे ही ऐसे ऐसे, तो ये वाला पार्ट आएगा फिर से ऊपर को, ये पार्ट गया नीचे को। तो ये देखिए यहां से बच्चा जी कैसे था, ये पार्ट गया ऊपर को, ये पार्ट गया नीचे को, क्लियर।
अब इसका मतलब यहां पर आएगा तो ये पार्ट आएगा ऊपर को और ये पार्ट जाएगा नीचे को, तो बच्चा जी क्या बना अभी यहां पर, ये पार्ट आएगा ऊपर को और ये पार्ट जाएगा नीचे को, तो लगाए रूल फिर से ऐसे मूवमेंट थी, ऐसे मूवमेंट थी, तो अभी ये ऊपर को आ रहा है ये नीचे को जा रहा है, तो राइट हैंड रूल लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, ये गया ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को ऊपर को गया, तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई, करंट की, तो करंट की डायरेक्शन यहां से इस साइड को है, यहां से किस साइड को हुई, तो यहां से बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड गई इस साइड को, फोर्स किस साइड को ऊपर को, तो करंट की डायरेक्शन क्या बन गई यहां पर, फोर्स की डायरेक्शन नीचे को बच्चा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, फोर्स की डायरेक्शन है नीचे को, तो करंट क्या बनेगा नीचे को, तो करंट बन गया बच्चा इस साइड को, तो यहां से करंट की डायरेक्शन बनी, ये बन गई, यहां पर डायरेक्शन क्या थी देखिए, यहां से डायरेक्शन थी डी से ए, बी टू सी, यहां से क्या बनी सी से बी, बी से ए, ए से डी, सी बी ए डी, इससे पूरी पूरी ऑपोजिट रिवर्स्ड, ओके, और ये कैसे बनी, ये इन्हीं स्लिप रिंग्स ने करवाया काम, जो करवाया इन्हीं की वजह से ये बना अभी, ओके, तो बच्चा जी अभी डायरेक्शन बनाकर देखे क्या बनती है, फिर आधी रोटेशन पे ये रही, सेकेंड हाफ रोटेशन पे क्या बनेगी, यहां से स्टार्ट करें सी, सी से बी, बी से ए, ए से डी, डी से कहां पर एस वन, एस वन, एस वन से कहां पर, इसके साथ कनेक्टेड कौन सा था, एस वन के साथ बी वन, तो बी वन, बी वन से किसकी और, बी वन से किसकी और, बी वन से किसकी और, इसकी और गलवेनोमीटर, तो गलवेनोमीटर से किसकी और, बी टू, बी टू से किसकी और, एस टू, तो एस टू से किसके साथ, सी वन के ऊपर फिर से, तो डायरेक्शन एक बार जल्दी से आप देख लें क्या है, डी ए बी सी एस टू बी टू गलवेनोमीटर बी वन एस वन और डी, और यहां पर क्या बना, सी से स्टार्ट करें, सी से बी की ओर, यहां पर क्या था बी से सी की ओर था, तो जिस साइड को ये जा रहा है ये उससे क्या पूरी ऑपोजिट जा रहा है, देखिए कैसे, अब यहां पर एस वन से डी की ओर थी, तो यहां पर क्या है बच्चा जी डी से एस वन की ओर है, तो जिस तरीके से जैसे इसने डायरेक्शन बनाई थी ऐसे इसने डायरेक्शन कैसे बनाई बच्चा जी, अभी देखिए इसने बनाई मूवमेंट यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और फिर ऐसे, आधी रोटेशन के बाद डायरेक्शन क्या हो गई चेंज, तो इसका मतलब दूसरे डायरेक्शन के बाद गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन किस साइड को देगा, इस साइड को देगा, क्योंकि एट दैट टाइम डायरेक्शन कैसे है बी वन से गैल्वेनोमीटर टू बी टू, बी वन से गैल्वेनोमीटर टू बी टू, तो इसका मतलब सेकंड रोटेशन पे ऐसे देगा करवाया, तो बच्चा जी पहले डायरेक्शन इस साइड को आई आधी रोटेशन पे, सेकंड बार इस साइड को आ गई, क्लियर हुई आपको, क्लियर में आ चुका होगा बच्चा जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्कआउट करता है समझ में आ गया होगा आपको, तो आधी रोटेशन पे डायरेक्शन इस साइड को, दूसरी रोटेशन पे डायरेक्शन इस साइड को, क्लियर क्या करना है आपने दिमाग में, क्या बात रखनी है वो क्या, ये जो एक्सल है इसके ऊपर जो स्लिप रिंग्स कनेक्टेड है ये लगातार इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट होगा ये आर्मेचर, जब इसको घुमाएंगे तो स्लिप रिंग्स घूमेगा, स्लिप रिंग्स के घूमने के साथ ये घूमेगा, और जब ये ऐसे घूमेगा तो बच्चा जी इन्हीं स्लिप रिंग्स के साथ लगातार कनेक्टेड में कौन से रहेंगे, ये ब्रश वंश बी वन और बी टू, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, ये भी अपनी जगह पर घूमता रहेगा, और जो कनेक्शन है एस वन का बी वन के साथ और एस टू का बी टू के साथ वो लगातार कायम रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, डायग्राम क्लियर है, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई आधी रोटेशन इस साइड, आधी रोटेशन इस साइड, तो बच्चा जी अभी इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्या है, उसमें स्प्लिट रिंग्स जो था वो काम करता था एक्ट एज ए कम्यूटेटर, यहां पर इट एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, ये क्या करवाता है, उसमें भी वो क्या करता था बच्चा जी आर्मेचर के बीच में डायरेक्शन क्या करवाता था, लगातार रिवर्स करवाता था, ओके, पढ़ा था ना आपने ए बी सी डी, और दूसरे वाले केस में क्या था सेकंड हाफ रोटेशन में डी सी पी ए, और यहां पर भी क्या है आर्मेचर के अंदर कैसे करवाता है चेंजेस, कौन सा स्लिप रिंग्स ए बी सी डी
और बाद में क्या है, यहां से देखिए ए बी सी डी था, ए बी सी डी कैसे था, ए बी सी डी ऐसे चेंजेस थी, ऐसे था करंट कुछ, ओके चाहे इसके अंदर से घूम कर आया, और यहां पर क्या हुआ बच्चा जी, सी बी ए डी, अभी यहां पर करंट ऐसे हो गया। तो बच्चा जी डायरेक्शन लगातार करंट की आर्मेचर के अंदर रिवर्स करवाता है, कौन स्लिप रिंग्स। चेंजेस समझ में आ गई बच्चा जी, कॉमुटेटर की तरह हेल्प करते हैं, जैसे उसमें स्प्लिट रिंग्स करता था यहां पर स्लिप रिंग्स करते हैं। तो बच्चा जी स्लिप रिंग्स का फंक्शन क्लियर है, आर्मेचर जो वो थिंग जो लगातार घूमती है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के साथ करंट प्रोड्यूस होता है, एक्सल जिसको हम घुमाते हैं, स्लिप रिंग्स अपनी पोजीशन पर लगातार कनेक्टेड रहते हैं, ब्रशेस बी वन और बी टू वो पार्ट है जो कि एक्ट करते हैं एज अ ज्वाइंट पॉइंट, किसका आर्मेचर या स्लिप रिंग्स का किसके साथ, बाहर वाले एक्सटर्नल सर्किट जो कि गैल्वेनोमीटर है उसके साथ। तो बहुत सारे फंक्शन है जो आप लिख सकते हो खुद। इसके बाद दो तीन क्वेश्चन है छोटे छोटे से, हम वो पढ़ेंगे। अभी आपने यहां से क्या पढ़ा बच्चा जी, करंट एक बार इस साइड को, करंट एक बार इस साइड को, अभी उसको लेकर चले कंटिन्यू आगे। तो यहां पर बच्चों ये आपने पढ़ा कि डायरेक्शन हर आधी रोटेशन के बाद एक बार इस साइड को और एक बार इस साइड को आती है, लगातार चेंज होती है। तो बच्चा जी जो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि लगातार कभी इस साइड को कभी इस साइड को अपनी डायरेक्शन चेंज करता है बच्चा जी, उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं एसी। और घरों में जो करंट आता है वो भी बच्चा जी कौन सा है, एसी है, ओके, जो कि अपने इंटरेक्शन पर लगातार फिक्स टाइम के बाद रिवर्स करता है, कभी उसके क्रस्ट बनते हैं, कभी उसके क्रस्ट बनते हैं, कभी उसके ट्रफ बनते हैं। और ये जो टाइम है, ये जो टाइम है हमारे पास, ये जो टाइम है ये लगातार फिक्स रहता है, इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट कौन सा हुआ, वो करंट या दैट करंट Which changes its direction periodically. Periodically means fixed time के बाद, जो अपनी fixed time के बाद direction को change करता जाए उसे बोलते हैं हम alternating current। और यहां पर जो produce हुआ बताइए, माना ना हर आधी rotation के बाद एक बार इस side को, आधी rotation के बाद इस side को, तो मतलब हर आधी रोटेशन के बाद ऐसे, हर आधी रोटेशन के बाद ऐसे ऐसे ऐसे, तो टाइम एक उसने फिक्स किया हुआ है, वो कौन सा टाइम है, हाफ रोटेशन, सिंपल सी बात। तो दूसरा है हमारे पास बच्चा जी वो क्या, डीसी। डीसी होता है बच्चा जी डायरेक्ट करंट, क्या होता है डायरेक्ट करंट, जो कि हमें प्रोवाइड होता है कहां से, बैटरी से। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा रेसिस्टेंस वाले चैप्टर में, ये आर है हमारे पास, ये क्या है बैटरी है। तो जब बच्चा जी जो ये सेल्स होते हैं ये लगातार करंट प्रोड्यूस करते हैं अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इसकी डायरेक्शन लगातार ऐसी ही रहेगी, ये जो आर है जिसको हमने चलाना है इस बैटरी के साथ, ये लगातार अपने इस साइड से करंट लेगा और इस साइड से निकालेगा बाहर। तो वो बच्चा जी जिसकी डायरेक्शन किसी फिक्स टाइम के बाद चेंज ना हो, जब जिसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज ना हो, तो बच्चा जी उसे हम बोलते हैं डीसी, विच डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम, टाइम के साथ जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल क्या है, करंट फ्रॉम सेल्स बैटरीज एक्सेट्रा, जो इनसे करंट निकलता है बार, वो बच्चा जी कौन सा होता है, डीसी होता है। और ये जो एसी करंट है विच वी गॉट, जिसे हम प्राप्त करते हैं किससे, किससे प्राप्त किया, एसी प्राप्त किया किससे, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, फ्रॉम जनरेटर। और जनरेटर कौन सा हुआ जो एसी को पैदा करता है, उसे हम बोलते हैं एसी जनरेटर, कौन सा, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर बच्चा जी क्या पैदा करता है, करंट, जो कि क्या है, एक बार इस साइड को एक बार इस साइड को। तो एसी आपको समझ में आ गया डेफिनेशन से, तो जो जनरेटर एसी को पैदा करे उसे बोलते हैं एसी जनरेटर, और जो जनरेटर बच्चा जी डीसी को पैदा करे उसे हम बोलते हैं डीसी जनरेटर।
तो डीसी अगर प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे जी? डीसी डायरेक्ट करंट, उसके लिए जो पिछला हमने मोटर पढ़ी थी मोटर वाले केस में बच्चा जी आपने कौन सा करंट लिया था, एसी था कि डीसी था? बैटरी से जो निकल कर आता था कैसे था? देखिए आप, ये हमारे पास फिर से आर्मेचर था, ये एक नॉर्थ था, ये एक साउथ था, और यहां पर एक रॉड थी, उस रॉड के ऊपर क्या था बच्चा जी, ऐसे ये ब्रशेस थे, और उन्हीं ब्रशेस के साथ कनेक्टेड था क्या, ये हमारा स्प्लिट रिंग्स, ओके, ये स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड थे कौन से, ये आर्मेचर, और ब्रशेस के साथ कनेक्टेड क्या था, बाहर वाला हमारा एक्सटर्नल सर्किट, ओके, हमारा ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट प्रॉपर पूरा नहीं आ रहा बच्चा जी, तो इसको सही करना पड़ेगा, तो यहां पर कुछ ऐसे था, ये रॉड थी, इस रॉड के ऊपर कनेक्टेड थे कौन से, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग के साथ ब्रशेस कनेक्टेड थे, तो ब्रशेस के साथ कनेक्टेड था हमारे पास ये क्या था, बैटरी, ओके, ये किसकी थी प्रिंस, ये किसका डायग्राम था, मोटर का, तो अभी हमने क्या बनाना बच्चा जी, डीसी जनरेटर, तो जनरेटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो लेनी पड़ेगी ना, जनरेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, तो इसका मतलब यहां पर क्या लगाएंगे हम, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की कोई नीडल होगी सेंटर पे ऐसे, जैसे ही हम इसको, ये जो रॉड थी जैसे यहां पर थी, ऐसे ये रॉड है जिसको, इसको हम जैसे ही घुमाएंगे तो बच्चा जी ये लगातार कनेक्टेड रहेगा, कैसे, ये स्प्लिट रिंग्स लगातार इस रॉड के ऊपर कनेक्टेड रहेंगे, जैसे ये घूमेंगे ये घूमेगा, और ब्रशेस जो होंगे वो अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे, तो उसके घूमने के साथ ये स्प्लिट रिंग्स कभी एस वन बी वन के साथ लगेगा, कभी एस टू बी टू के साथ लगेगा, फिर एस टू बी वन के साथ, फिर एस टू बी वन के साथ, ऐसे लगातार कनेक्टेड होंगे, ओके, तो बच्चा ये क्या होगा लगातार, कभी फिर इस देखिए कैसे एस वन बी वन के साथ कनेक्टेड था, एस टू बी टू के साथ कनेक्टेड था, ये है हमारे पास S1, ये है S2, ये है B1, ये है B2, तो बच्चा जी आधी रोटेशन के साथ ये रहा, सेकंड हाफ रोटेशन में बच्चा जी S2 चला गया किसके साथ, B1 के साथ, और S1 चला गया B2 के साथ, उसके बाद फिर से क्या होगा, उसकी अगली रोटेशन में बच्चा जी S1 चला गया फिर से B1 के साथ, और S2 चला गया फिर से B2 के साथ, तो लगातार कनेक्शन चेंज हो रहे हैं, ये लगातार घूमेगा, कभी वो इसके साथ, कभी वो उसके साथ होता जाएगा, और वो इस तरीके से होगा कि जो यहां पर करंट था हमने पैदा किया वहां पर, वो एक ही साइड को जा रहा था, और यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी आर्मेचर की, अगर आपने मोटर पढ़ी थी अच्छे तरीके से। यहां पर क्या होगा बच्चा जी, यहां पर ये गैल्वेनोमीटर लगा है, हमने इसको घुमाया तो करंट आएगा, तो बाहर वाले सर्किट से बच्चा जी करंट क्या रहेगा, लगातार एक ही डायरेक्शन को रहेगा, ओके, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स क्या करते थे, यहां पर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते थे, बट यहां पर मोटर वाले केस में लगातार करंट एक ही साइड को आ रहा था, ओके, और यहां पर डायरेक्शन की चेंज कभी ऐसे तो कभी ऐसे, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, डिपेंड है कौन सी हाफ रोटेशन लग रही थी, ओके, क्लियर, तो बच्चा जी वो तो केस हो गया समझ। अब यहां पर हमने सर्किट में सेल्स बैटरी नहीं लगाई, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया और हम इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमाने के साथ क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, बट यहां पर डायरेक्शन क्या है, स्प्लिट रिंग का काम क्या था, बाहर वाला ये जो सर्किट है उसमें करंट सेम साइड को जाता था। आप एक बार मोटर वाले केस को पढ़कर आए दोबारा से, फिर आपको समझ में आएगा, ये जो हमारा बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट था यहां पर करंट सेम साइड को ही जाता था, एक ही साइड यहां से ही जाता था ऐसे, तो इसका मतलब ये जो स्प्लिट रिंग्स थे ये इसके अंदर डायरेक्शन को कभी ऐसे और कभी ऐसे करते थे, तो अब भी ऐसे ऐसे करेंगे, बट बाहर जो सर्किट है उसमें करंट एक ही साइड को जाएगा, इसका मतलब यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो लगातार एक ही साइड को रहेगी। सो देयरफॉर बच्चा जी हमने इस कंक्लूजन से क्या समझा कि अगर हम इस एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं स्लिप रिंग्स को हटाकर स्प्लिट रिंग्स लगाने पड़ेंगे बस, और कुछ कराने की जरूरत नहीं है, तो हमारा जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो बच्चा जी सेकंड हमने यहां से क्या पढ़ा कि फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाए बच्चा जी, स्लिप रिंग्स को हटाकर क्या लगा दें, स्प्लिट रिंग्स लगा दें, बस तो एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लेना प्रॉपर ये पॉइंट, ओके। तो ये हो गया, अभी कुछ हमारे पास डिफरेंसेस है एसी डीसी में, वो हम करेंगे। इसके बाद हमारा ये जो आज का टॉपिक था ये खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना देने, इससे जो पहले मैंने रेस किया था बच्चे जी, आप उसका भी स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले रख लेना, एक बार बैक करके और प्रॉपर नोट्स बनाना इसके। तो एसी डीसी में क्या डिफरेंस है बच्चा जी, ये कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। इसका आप एक नेम लिख सकते हो अल्टरनेटिंग करंट, बट उसको आप बच्चा जी डिफरेंस में मत लिखना, तो ये कोई डिफरेंस बनता नहीं। और ये है डीसी करंट, पहले आप डायग्राम बना सकते हो इसकी, कि इस साइड को टाइम है, टाइम बढ़ता जा रहा है और उसके बढ़ने के साथ ये जो करंट है, करंट का ये जो है एम्पलीट्यूड, ओके, इस साइड को है वाई एक्सिस की ओर है करंट एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस की ओर है टाइम। तो टाइम के बढ़ने के साथ करंट कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव है। सो देयरफॉर ये क्या है, डायग्राम बनी और इसका आप डेफिनेशन में इसका डिफरेंस, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो डिफरेंस में, वो क्या थी कि अभी लिखी थी यहां पर मैंने डेफिनेशन, तो वो क्या है बच्चा जी, दैट करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली दैट इज विद अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन लिख लेना, तो डीसी की जो कि टाइम के बढ़ने के साथ, इस साइड को टाइम बढ़ रहा है एक्स एक्सिस की ओर, तो वाई एक्सिस की ओर क्या है, करंट एम्पलीट्यूड, ओके। करंट के बढ़ने, टाइम के बढ़ने के साथ करंट की जो वैल्यू है वो सेम रह रही है, ये चेंज नहीं हो रही, जितना करंट था उतना ही रह रहा है, तो ये डीसी होगा। इसकी डेफिनेशन साथ में लिख लेना, विच डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद अ इंक्रीज इन टाइम, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो वो बच्चा जी कौन सा है, डीसी है। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है, इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इट कैनॉट बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अगर बहुत दूर तक किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो बच्चा जी, तो हम हमेशा किसको यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, एसी करंट को। अभी इसके अंदर आप जनरेटर वाला थिंग मत इंक्लूड करना, क्योंकि ये एसी और डीसी में डिफरेंस है। तो कभी सिग्नल को बहुत दूर तक भेजना हो तो हम कौन सा सिग्नल यूज करते हैं, एसी वाला, और जब दूर तक कोई ना भेजना हो तो हम डीसी वाला यूज करते हैं। मीन्स ये डीसी वाला दूर के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये किया जा सकता है। तो थर्ड है, इसके अंदर पावर लॉसेस जो होते हैं वो लेस होते हैं, इसके अंदर पावर लॉसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ये आप समझ ले वैसे बच्चा जी, क्योंकि अभी आप छोटे हो तो ये थिंग्स आपके लिए इतनी ज्यादा है नहीं, मायने रखती क्यों। अगर आपको समझ में आना, अगर आप समझना चाहते हो तो आप एक बात को समझ ले दिमाग में अंदर, वो क्या कि जब हम कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं तो आपने देखा होगा जो आपके घरों के पास से वो हाई वोल्टेज वायर्स जाती होंगी बच्चा, उनके ऊपर लिखा होता है हमेशा 10,000 वोल्ट या 11,000 वोल्ट, 10-11,000 वोल्ट। तो वो उस टाइम क्या होता है बच्चा जी, वोल्टेज हाई करके भेजते हैं, ना कि करंट को हाई करके भेजते हैं, करंट को मिनिमाइज करते हैं और वोल्टेज को बढ़ाकर भेजते हैं। क्योंकि करंट अगर बढ़ाकर भेजें तो करंट को ज्यादा भेजने का मतलब क्या है, करंट को ज्यादा भेजने का मतलब ये है कि अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, वायर्स गर्म हो जाएंगी, वायर्स गर्म हो जाएंगी तो क्या होगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे, वायर खराब हो सकती है, वायर में कुछ चेंजेस आ सकती है, सडनली वायर कहीं पर गिर जाए तो वो बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है वहां पर। देयरफॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमेशा वोल्टेज को हाई करके भेजा जाता है, और इसका मतलब क्या, करंट को लेस करके भेजती है। तो करंट को लेस करके भेजने का मतलब क्या,
पावर लॉसेस भी क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि हमें पता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर होता है, तो इसकी वैल्यू लेस तो इसकी वैल्यू भी लेस, तो इसमें पावर लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसमें पावर लॉसेस कम होते हैं। और लास्ट वाला, इट्स फ्रीक्वेंसी इज सम फाइनाइट वैल्यू और इट्स फ्रीक्वेंसी इज जीरो। अभी क्या है ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बच्चा जी कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार सिग्नल चेंज हुआ, तो यहां पर सिग्नल चेंज हुआ नहीं हुआ, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर हुआ जी हां हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है वन अपॉन टाइम। अगर एक सेकंड के अंदर एक बार सिग्नल चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई वन, अगर एक सेकंड के अंदर दो बार चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई टू टाइम्स। और भारत के अंदर जब आपके घर में बेचारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं तो वहां पर आप एक बार चेक करें उस बिल के ऊपर, वहां पर लिखी होती है फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है घरों के अंदर जो सिग्नल भेजा जाता है बच्चा जी, वो मैंने बोला कौन सा भेजते हैं एसी, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस हमारे घर में वो सभी किसके ऊपर रन करते हैं एसी करंट के ऊपर। तो बच्चा जी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका बच्चा जी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर लिखा होता है, अगर आपके पास कोई पड़ा है तो उसको ध्यान से देखें। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या, इसका मतलब आपके घर में जो सिग्नल आता है बच्चा जी वो क्या, वो एसी है। तो एसी का मतलब क्या, वो कितनी बार चेंज होता है, तो आपके घर में जो सिग्नल आता है बच्चा जी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब क्या कि 100 बार चेंज हुआ, हमें क्या पता है फ्रीक्वेंसी कितनी बार चेंज हुआ। अभी एक सेकंड के अंदर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था तो एक बार नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इतने केस को हम बोल सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी। ओके, पॉजिटिव था ठीक है, हाँ जी यहां से चला पॉजिटिव है तो फिर क्या हुआ, वो नेगेटिव भी हो गया, तो इसका मतलब कितनी बार चेंज हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो इस पॉजिटिव क्रस्ट और इस ट्रफ दोनों को मिलाकर एक बनती है क्या, फ्रीक्वेंसी बनती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर। तो बच्चा जी ये क्रस्ट और ट्रफ को मिलाकर एक फ्रीक्वेंसी बनी, तो हमारे घर में जो सिग्नल आता है बच्चा जी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओके 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज जो हमारे घर में फ्रीक्वेंसी आती है बच्चा जी, उसका मतलब क्या कि उसके अंदर एक क्रस्ट और एक फ्रीक्वेंसी के अंदर एक क्रस्ट और एक ट्रफ है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब उसके अंदर कितने क्रस्ट और कितने ट्रफ होंगे, 50 क्रस्ट होंगे और 50 ट्रफ होंगे। तो इसका मतलब सिग्नल कितनी बार चेंज होता है जो हमारे घर में आता है, एक सेकंड के अंदर 100 बार चेंजेस होती हैं, 100 बार चेंज होता है सिग्नल जो हमारे घर में आता है एक सेकंड के अंदर। और वो हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि एक सेकंड के अंदर इतनी बार तो सिग्नल चेंज हो रहा है, तो हमें फील क्या होगा, समझ में आई बात। तो बस ये एसी और डीसी भी हो गया, और ये वो थिंग्स थी जो हमने आज पढ़नी थी बच्चे। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो नीचे भी जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नीचे बच्चा जी आपके स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रही है उनको जरूर फॉलो करें, और खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें बच्चा जी। बाय।